पुरुषोत्तम मास महात्म 31वां अध्याय अर्थात अंतिम अध्याय संपूर्ण होने जा रहा है। तो इसमें क्या है सो सुन लीजिए। शिव पार्वती की चर्चा है। उन लोगों ने भी व्रत को किया, कैसे किया ये सुन लीजिए। तो सूत जी कहले कि हे ब्राह्मणों, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्री के धर्मों का वर्णन किया, सुनकर के कुछ थोड़ा सा और पूछने की इच्छा हो गई। अब बात बढ़ गया है तो बात बढ़ते चले। बोले नारद कहले कि हे बद्रीनाथ नारायण जी, आपने सब दानों से उत्तम काशी का संपुत कहा है। आपने कहा कि काशी का मैंने कांसा के बर्तन का दान करने का क्या महत्व है, सो इसका विस्तार से बतलाइए। तो श्री नारायण बोले कि हे ब्राह्मण, इस वर को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था, बहुत पहले पार्वती जी किए थे, शंकर जी की पत्नी महारानी जी। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा कि कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे कि मेरा पुरुषोत्तम का व्रत पूरा हो जाए। तो श्री महादेव जी बोले कि कांसे का बर्तन, मैं 30 गो कांसा के बर्तन में 30 गो पुआ रख कर करके 1 महीना के 30 दिन का दान कर दीजिए। उसको तागा से लपेट करके मैं कपड़ा से ढक टोप कर कर करके मैंने पर्दा कर करके, क्योंकि खाने का चीज़ है ना, उसमें नजूजर लग सकता है, तो ढक टोप कर करके दान कर दीजिए। इसमें लिखा है कि तागा से लपेट करके, बात एक ही हुआ। विधिवत पूजा कर व्रत संपूर्णता के लिए विद्वान ब्राह्मण को दे, यानी कि योग्य ब्राह्मण जो धार्मिक हो, अच्छे विचार के हों, उनको देना चाहिए। शक्ति हो तो ऐसे 30 बर्तन दे दीजिए, और नहीं तो एक ही बर्तन 30 को पुआ करके रख दीजिए। इस प्रकार से महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुनकर सब लोगों का हित चाहने वाले श्री पार्वती जी अति प्रसन्न होकर के विद्वान ब्राह्मण को 30 कांसे के बर्तन में मालपुए भर करके अत्यंत आनंद को प्राप्त हुए, यानी कि दान कर दिए और दान धर्म उनको प्राप्त हो गया। मैं 30 गो कटोरा कांसा के उसमें भर भर के पुआ और 30 दान कर दीजिए। सूत जी कहने के हे विप्रो, इस प्रकार से नारायण जी के अमृत समान वचन सुनकर श्री नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार करके बोले। अब ऐसा सुनकर के नारद जी खुश हो गए। अब चाहे तो 30 दिन के है तो एक माने रोज भी कर सकते हैं, तो 30 दिन पूर गया, या फिर बीच में, या ना होगा तो अंतिम दिन सब कर लीजिए एक बार। तो जैसा आपको सुविधा हो प्रतिदिन एक कर दीजिए, या छुटल पटल मिला जुला के एक बार कर दीजिए, या सब अंतिम एक ही दिन कर दीजिए। अब आप अपना सुविधा देखिए। एक किताब से बाहर से हम आपको समझा दिया ताकि कि कन्फ्यूजन न हो, किसी तरह का भ्रम न हो। फिर बोले, पुरुषोत्तम सब साधनों में श्रेष्ठ है, मैंने सब महात्म सुना, ऐसा ही निश्चय किया, जिसके सुनने मात्र से भी भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से किया जाए तो कहना ही क्या है। माने पुरुषोत्तम मास महात्म का फल है कि अनजाने से भी यदि हो जाता है तो पर भी बहुत पुण्य है, और यथाशक्ति करे और अधिक पुण्य है, और पूरा नियम से करे तब तो उत्तम नहीं सर्वोत्तम हो जाएगा। मेरे बुद्धि से ऐसा प्रतीत होता है कि इसे आगे मुझको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं है। अब हम संतुष्ट हो गए नारद जी, कहीं अब और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस कथा रूपे अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया, एकदम संतुष्ट हो गया। इसके महात्म सुनने से गंगा स्नान के समान फल प्राप्त होता है। माने कि गंगा नदी जो है सो हर जगह नहीं है, हर किसी के लिए सुलभ नहीं है, हर कोई गंगा स्नान प्रतिदिन नहीं कर सकता है, लेकिन एक किताब तो पढ़ सकता है ना, एक किताब की कहानी सुन तो सकता है, पढ़ भी सकता है, सुन भी सकता है, सुना भी सकता है, अर्थात गंगा स्नान का फल उसको मिल गया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने का इसके सादर सुनने अलग प्राप्त होता है। तो पृथ्वी के प्रदक्षिणा करने का जो फल होता है वो इस कथा को सुनने से मिल जाता है। ब्राह्मण सुनकर ब्रह्म तेज को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण के पास ब्रह्म तेज होना चाहिए, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति उनके पास होना चाहिए, अधिक मात्रा में होना चाहिए, तो ये सब उनको प्राप्त हो जाता है।
क्षत्रिय को राज सुख चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय लोग राजा होते हैं ना, तो उनको राज्य मिलता है। और वैश्य लोग, व्यापार वर्ग लोग जो हैं, ये लोग धन कमाने के लिए ही राज्य प्रयास करते हैं, तो ये लोग धनिक हो जाते हैं, धनवान हो जाते हैं। और शूद्र श्रेष्ठ तथा अन्य किरात क्षण आदमी मुक्ति आदि मनोवांछे उसको प्राप्त करते हैं। और जो मजदूर वर्ग जो लोग हुए, वो लोग को भी मुक्ति प्राप्त हो जाता है, सब कुछ उनको भी मिल जाता है, किसी चीज़ की कोई कमी किसी को नहीं रहता है। इस पुरुषोत्तम मास महात्म लिखवा करके या खरीद कर करके वस्त्र भूषण के साथ विधि पूर्वक ब्राह्मण को दान कर दीजिए। यानी कि एक इस तरह का जो पुस्तक जो हुआ पुरुषोत्तम मास महात्म का, उसको खरीद कर करके और उसकी पूजा पाठ कर करके विधिवत किसी ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को दान कर करके दे दीजिए। वो अपने तीन कुल के साथ है गोपालों में सेवित देव दुर्लभ गोलोक को प्राप्त होता है। ऐसा करने से मुक्ति मिल जाती है, गोलोक में वास हो जाता है, स्वर्ग से भी उत्तम स्थान चले जाते हैं। जिस घर में यह ग्रंथ रत रहता है वह घर तीर्थ के समान होता है, यानी कि जो किताब जहाँ रहेगा वह स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। इस प्रकार अत्यंत पुण्यदायक पुरुषोत्तम मास के महात्म को सुनकर विस्मित हुए और विनयपूर्वक सूत जी बोले, ऋषि बोले कि हे सूत जी, तुम धन्य हो, आपके मुख से कथा रूपी अमृत पान करके हम सब धन्य धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। हे पुराणों के ज्ञाताओं में से सूत जी, आपकी बड़ी उम्र हो, आप खूब दिन जिए और खूब कथा सुनाइए, आपकी बड़ी उम्र हो तथा आपकी कृति अमर रहे, अर्थात एक कथा हमेशा हमेशा पर के लिए धरती पर अन्य लोक में भी देवताओं के लिए भी बनी रहे। भगवान की चरित्र लीला कथा मृत को पीने से ही निमिषारण्य वासी मुनियों ने आपको परम पूज्य ब्रह्मासन दिया है, तो इन्हीं सब कथा के प्रभाव से आप इतना महान हो गए। सूत जी, जब तक भगवान की पवित्र कीर्ति छाई हुई है आप हमारे बीच बैठे भगवान की मनोहर कथा सुनाते रहे, मनीष और कथा होते रहे। इस प्रकार वह सूत जी ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के सब ब्राह्मणों के प्रदक्षिणा कर नमस्कार कर अपना कृत्य के लिए गंगा जी की ओर चल दिए। माने कि सूत जी जो थे उनसे भी बड़े बड़े वहाँ पर ऋषि मुनि महात्मा थे, एक पर एक 11 दुनिया है। तो वो सूत जी जो थे सो वहाँ पर उत्तम कोटि के अच्छे जो ब्राह्मण लोग थे उनकी प्रदक्षिणा किए, उनसे आशीर्वाद ग्रहण किए और ये सब करने के बाद वहाँ से विदागी हुआ और अपना वो गंगा की ओर चले गए। निमिषारण्य से रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे, अब उनके चले जाने के बाद अब आपस में लोग बातचीत करने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म अत्यंत श्रेष्ठ है, कहीं कहीं बहुत बढ़िया है और बहुत पुराना भी है, कोई नया चीज़ नहीं है, भक्त जनों को मनवांछित फल देने वाला है, कल्प वृक्ष के समान है, अर्थात जो इनकी पूजा भक्ति करेगी उनको सब कुछ प्राप्त होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। किंकिंग न साधति कल्पतरु विद्या, यानी कि विद्या की तरह ज्ञान धर्म पूर्ण भी होगा, जिस तरह से कल्प वृक्ष से सब मनोकामना पूर्ण होती है उसी तरह से इस महात्म को पढ़ने से, सुनने से, सुनाने से, करने से हर चीज़ की, हर आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, सारा संकट दूर हो जाता है, किसी बात की चिंता न करे, भ्रम में न करे, श्रद्धा भक्ति से सारा काम करे, कोई संदेह नहीं है। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, विष्णु भगवान की जय, नारद मुनि की जय, देवल मुनि की जय, सूत जी की जय, श्री रामचंद्र की जय, कृष्णचंद्र की जय, सब देवतन की जय, कुल देवता की जय, ग्राम देवता की जय, छूटल पुटल भूल चूक सब माफ करिय, सब देवी देवता की जय। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को दिखाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बगल का घंटी बजा दीजिए।
यदि हमसे कोई त्रुटि रह गया हो तो भूल चूक को माफ कर दीजिए। यदि कुछ सलाह देना चाहते हैं तो अच्छी कमेंट कीजिए, सलाह दीजिए, प्रोत्साहन को बढ़ाइए ताकि हम और भी इस तरह के कार्यक्रम आपको दिखा सके। यह आपका पुरुषोत्तम मास महात्म संपूर्ण हो गया।